किशोर का हित सर्वोपरि। आइए आज हम बात करते हैं सिक्किम राज्य में 25 साल लगातार मुख्यमंत्री बने रहने वाले पवन कुमार चामलिंग की सल्तनत को ध्वस्त करने वाले पीएस गोले। जी हां, आज हम उनकी बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि पीएस गोले का जीवन परिचय क्या है और उनका अब तक का राजनीतिक इतिहास एवं उनकी पर्सनल लाइफ कैसी रही है अब तक। प्रेम सिंह तामंग उनका पूरा नाम है, असली नाम है। पीएस गोले उनका एक लोकप्रिय नाम है जो उनके समर्थक एवं उनके आसपास के लोग उनको संबोधित करते हैं। वह सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM के अध्यक्ष है एवं उन्होंने इसकी स्थापना की। आज के दिन सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सिक्किम राज्य में सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा पिछली बार के चुनाव में 2014 में वह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भी सिक्किम राज्य में रही। आपको बता दें कि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष पवन कुमार चामलिंग लगातार 25 साल मुख्यमंत्री रहे। माना जा रहा है कि पीएस गोले इस बार प्रदेश की बागडोर संभालेंगे एवं नए मुख्यमंत्री रहेंगे। प्रेम सिंह तामंग एक सामान्य से घर में पैदा हुए। कालू सिंह तामंग और धन सिंह माया उनके माता पिता रहे। 5 फरवरी 1968 में गोले पैदा हुए। उसके बाद वह स्कूल की पढ़ाई के लिए सोरेंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल वेस्ट सिक्किम में गए, जहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई की। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वह बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री लेने दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में भी गए और वहां से उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1990 के साल में वह सरकारी नौकरी में पदस्थ हुए बतौर ग्रेजुएट टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के अंतर्गत। वह 1993 तक सेवारत रहे। उसके बाद वह अपने सामाजिक कामों के चलते और राजनीति में रुचि लेने लगे, जिसके बाद उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया और लगातार राजनीतिक एक्टिविटीज में बने रहे। वह शुरुआती दौर में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए काम करते रहे। इसके बाद उन्होंने आगे तरक्की की एवं SDF पार्टी की तरफ से 1994 के विधानसभा चुनावों में वह लगातार अपनी मेहनत के दम पर चुखुंग विधानसभा क्षेत्र वेस्ट सिक्किम से चुनाव लड़े। इसके बाद वह चुनाव जीतकर सिक्किम विधानसभा पहुंचे, जहां पर उन्होंने बतौर स्टेट यूथ कन्वेनर एवं वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम किया। साथ ही पहली बार ही विधायक बनने के साथ साथ उनका मंत्री पद भी शुरू हो गया। उन्होंने सिक्किम सरकार में 3 लगातार 1994 से 1999 तक बतौर पशुपालन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में मंत्री रहे। उसके बाद 99 से लेकर 2004 तक वह इंडस्ट्री एवं पशुपालन मंत्री रहे। 2004 से 2009 के दरमियान वह मिनिस्टर फॉर बिल्डिंग एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट रहे। उसके बाद साल 2009 में चुनाव, जो कि उन्होंने बुटुक विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था एवं जीता, उसके बाद वह चेयरपर्सन हो गए इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के। हालांकि उन्होंने कभी भी इस पद को ग्रहण नहीं किया। इसके बाद उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पवन कुमार चामलिंग से मनमुटाव के बाद स्वयं की पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का गठन किया, जिसके बाद 2014 में वह फिर से बुटुक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और वह बतौर विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे।